Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk Deva English Spoken class. Friends, today I am going to teach you about the phrase and clause. Phrase as clause. Phrase kuch words se bane hote hain jo ek sentence ka part hota hai. इसको आप ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स भी बोल सकते हैं जिसमें आपसी पकड़ या विशेष संबंध होता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट का संबंध तालमेल वर्ब से वैसा नहीं होता जिस तरह की क्लाउज या सेंटेंस में होता है. तो हम आज यही जानेंगे कि फ्रेज एज क्लाउज वाले सेंटेंसेस कैसे होते हैं और उसको हम किस तरह से बनाते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. तो सबसे पहले हम देखते हैं वो कन्वर्सेशनल वीडियो जो हर वीडियो में हम आपको दिखाते हैं. तो देखिए. Hey, hi, how are you? Well, hi. Sir, yes, and we are looking for you in the college. Oh, really? What is that? It's kite. Oh, do you like to fly kite? Yes, I like it too much. Do you have string? Yes, I have got a ball of string. Can you fly a kite? Yes, I can fly. Look how I do it. It is rising. Look, it is rising. There is good wind blowing. Yes, very good. Look how high it is steering. Isn't it great fun? Yes, of course, it is great fun. Don't you know how to fly a kite? No, I don't. Once I tried, but I couldn't. Don't worry. I will teach you how to fly a kite. First, you will have to get a kite and a ball of string. Okay? Tomorrow, come to me with a kite and ball of string. I will teach you. Oh, you will teach me? Yes. So, you will teach us? Yes. Oh, it's great. Of course, I'll teach you. Okay? Okay. Meet me tomorrow. Okay. Okay? Okay. Ah. We will come. Okay, friends. So, let's start. Phrase as clause. जैसे कि हम एक sentence लेते हैं. Sentence. क्या खाए यह एक समस्या है. क्या खाए यह एक समस्या है. ठीक है फ्रेंड्स, तो दिस इज द फ्रेज एज अ क्लाउज, मीन्स फ्रेज एज सब्जेक्ट. क्या खाए यह एक समस्या है. तो व्हाट टू ईट. अब यहां पर यह एक समस्या है के लिए हम दिस इज अ प्रॉब्लम या इट इज अ प्रॉब्लम हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज अ प्रॉब्लम. What to eat is a problem. ठीक है फ्रेंड्स, कहां जाएं यह एक समस्या है. ठीक है फ्रेंड्स, तो where to go is a problem. Where to go is a problem. ठीक है फ्रेंड्स, क्या करना है यह एक रहस्य है. क्या करना है यह एक रहस्य है. तो what to eat is a mystery. ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इस तरह से बनाते हैं. मैंने आपको पहले भी बेसिक में बताया था कि कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या खरीदना है, या कहाँ जाए, क्या करे, क्या खरीदे. इस तरह के जब सेंटेंसेस आते हैं तो हम उसको
सिर्फ क्वेश्चन वर्ड प्लस टू और वर्ब लगा के लिखते हैं, बनाते हैं। ठीक, ये भी उसी तरह से है यहाँ तक, बट यहाँ से थोड़ा सा चेंज है जो ये इसके लिए लिखा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है समझना, इसको सिर्फ कहाँ जाना है, मीन्स कहाँ जाए, वेयर टू गो, क्या खरीदे, यह एक समस्या है। तो व्हाट टू बाय इज अ प्रॉब्लम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इस तरह से बनाते हैं। हम कुछ और भी सेंटेंसेस लेते हैं इसी तरह के जो इससे थोड़ा अलग है। ठीक है, तो देखिए मैंने एक सेंटेंस, तीन सेंटेंसेस लिख कर रखा है जो पहले वाले सेंटेंस से थोड़ा भिन्न है, बट बनता है लगभग उसी तरीके से। ठीक है, हम एक एक करके बनाकर समझते जाते हैं। तुम कहाँ रहते हो यह मुझे पता है। तुम कहाँ रहते हो, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन। कई सारे लड़के इसको कैसे बनाते हैं, वेयर डू यू लिव आई नो, वेयर डू यू लिव आई नो। वेयर डू यू लिव हम कब बोलते हैं, जब हम किसी से पूछ रहे होते हैं, मीन्स सवाल कर रहे होते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि तुम कहाँ रहते हो, तब वेयर डू यू लिव। बट ये बताया जा रहा है, पूछा नहीं जा रहा है कि तुम कहाँ रहते हो मुझे पता है। और यहाँ पर मुझे पता है के लिए आई नो ऐसा नहीं बोलेंगे, यहाँ पर कुछ और बोलेंगे। तो हम इसको किस तरह से बनाते देखते हैं। तुम कहाँ रहते हो, तो वेयर यू लिव, यहाँ पर वेयर डू यू लिव नहीं होगा। अगर वेयर डू यू लिव बोलेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, ये सवाल हो जाएगा, बट ये बताया जा रहा है, इसके लिए हम यहाँ पर वेयर यू लिव बोलेंगे। वेयर यू लिव इज नोन टू मी, वेयर यू लिव इज नोन टू मी। राम कहाँ गया, यह एक रहस्य है। राम कहाँ गया, दिस इज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बट दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, सो विल मेक दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिव सेंटेंस, नॉट अ क्वेश्चन वर्ड। ओके, वेयर राम वेंट इज अ मिस्ट्री। राम कहाँ गया, यह एक रहस्य है। तो वेयर राम वेंट इज अ मिस्ट्री, यहाँ पर वेयर डिड राम गो ऐसा नहीं बोलेंगे, राम कहाँ गया। काफी स्टूडेंट से मैं पूछता हूँ इस तरह के सेंटेंस को, तो वे ऐसे ही बनाते हैं कि वेयर डिड राम गो आई नो, इस तरह से बताते, या इस तरह से बनाते हैं कि वेयर डिड राम गो दिस इज अ मिस्ट्री, ऐसा बनाते हैं, बट दिस इज रॉन्ग। ओके फ्रेंड्स, द राइट वे इज दिस, वह कब आएगा यह अनिश्चित है। तो वेन ही विल कम इज अनसर्टन, वेन ही विल कम इज अनसर्टन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो अभी उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सेंटेंस, मीन्स फ्रेज एज सब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस को हम किस तरह के बनाते हैं और उसको बनाने के नियम क्या है, फॉर्मूले क्या है। फॉर्मूला कोई खास नहीं है, बस समझना है इसको। इस तरह के सेंटेंसेस मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बस ये समझना है कि इस तरह के जब भी सेंटेंस आए तो उसको हम क्वेश्चन वर्ड में ना बनाकर पॉजिटिव सेंटेंस में बनाएंगे, क्योंकि वो बताया जाता है न कि किसी से पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।